यदि नए भारत का निर्माण करना है तो एक तरफ सच्चे मनुष्य का निर्माण करना होगा एवं साथ ही साथ इस तरह का उपाय करना होगा जिसके द्वारा हम विभिन्न क्षेत्र में संघबद्ध रूप से कार्य करना सीखें। संघ क्या है हम बताते हैं, हमारा सामान्य स्वयंसेवक भी नए व्यक्ति को बताता है, देखो भाई संघ मनुष्य निर्माण का काम है, व्यक्ति निर्माण का काम है। बहुत से लोग कहते हैं आप और काम क्यों नहीं करते, क्या है हाथ ऊपर हाथ नीचे, इससे क्या होने वाला है, रोज शाखा में जाके और कुछ करते। अरे भाई यही तो काम है सच्चे मनुष्य का निर्माण, सुभाष बाबू ने बताया। उसकी साधना करनी पड़ती है, उसकी आदत बनानी पड़ती है। मनुष्यता बुद्धि से सबको समझ में आती है, मन से सबको मान्य होती है, लेकिन मनुष्यता का व्यवहार करने के लिए सब मोह आकर्षण छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर, जब जैसा चाहिए वैसा वर्तन करना, इसकी आदत लगानी पड़ती है। और इसलिए वो करना और सबको साथ लेकर चलना, सबने साथ मिलकर करना, हाथ ऊपर हाथ नीचे वगैरह करो लेकिन सब लोग एक साथ करो, समता करो लेकिन सामूहिक समता करो। आज आपने जो प्रात्यक्षिक किए और अच्छे करने चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, रोज शाखा आना पड़ता है। बहुत सरल है इसलिए समय पर आके कर दिए, ऐसे नहीं होता है। सामान्य उठना बैठना भी आदत में आ जाए तब ठीक होता है। उत्कृष्ट रूप से सब मिलकर काम करना सीखे, सुभाष बाबू के शब्दों में, विभिन्न क्षेत्र में संघबद्ध रूप से कार्य करना, यही संघ है, यही आदत है। और आगे सुभाष बाबू कहते सच्चे मनुष्य का निर्माण का प्रयास हमारे भारतवासी किसी दिन भूले नहीं, किंतु हम भूल गए थे कलेक्टिव साधना या सामूहिक साधना, हम भूल गए थे कि राष्ट्र को छोड़कर जो साधना की जाती है उस साधना की कोई सार्थकता नहीं। ये सब क्यों करना है संघ में, ये सब हम क्यों करते, संघ का नाम बड़ा करने के लिए नहीं करते। हमको संपूर्ण समाज को ही ऐसा बनाना है, समाज में अलग संगठन नहीं करना है, पूरे समाज को ही आदतों से परिपूर्ण करना है। हमारा कोई इतना नहीं है, हमको लोकप्रियता भी नहीं चाहिए, लेकिन सुभाष बाबू जैसे लोगों ने बताया है कि दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए ये साधना हम करते। और केवल हम करते नहीं, हमको इसको सबसे करवाना है। संघ का नाम हो ना हो, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव को मन में लेकर हम अपने कार्य का विस्तार करते। और आगे नेताजी कहते कि प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की उत्पत्ति देश की ऐतिहासिक धारा, चिंतन, आदर्श और नित्य नैमित्तिक जीवन की आवश्यकताओं से होती है।